morning, beautiful people, and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely well in these days. So guys, अभी हम लोग हैं मॉल रोड मनाली पे और आज हम लोग कर रहे हैं अपना ड्रीम ट्रिप दैट इज़ स्पीति वैली, मनाली टू स्पीति वैली. सो हम लोग जाएंगे काजा. काजा एक मेन टाउन है स्पीति वैली का. ये एक एडवेंचरियस राइड होगा, जैसे कि बहुत सारे राइडर का ड्रीम होता है लेह लद्दाख स्पीति वैली करना. So finally dream comes true. This will be a detailed video how you can travel from Manali to Khasa. Stay tuned and don't skip this video. It's going to be fun and adventurous. So guys, stay tuned and enjoy the journey with us. स्पीति वैली जाने के लिए दो ऑप्शंस है. आप शिमला से काजा जा सकते हैं या फिर मनाली से काजा जा सकते हैं. मनाली से काजा का डिस्टेंस होगा अराउंड 180 किलोमीटर. लेकिन शिमला से जो काजा का रोड होता है वो कंडीशन बहुत ही अच्छा है एंड यू विल गेट लॉट ऑफ गुड गुड प्लेसेस जो आप स्टे कर सकते हैं. और लोग नॉर्मली 2 या 3 दिन से कवर करते हैं. एंड मनाली से काजा का डिस्टेंस होगा 180 किलोमीटर, बट 80 किलोमीटर आपको बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग मिलेगा. सो बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि शिमला से काजा का, नॉट फ्रॉम मनाली टू काजा, बट मनाली टू काजा बाइकर के लिए एक हेवन है. सो आपको बहुत ही खतरनाक ऑफरोडिंग मिलेगा एंड यू विल एन्जॉय ए लॉट. वेलकम टू वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल रोहतांग. सो गाइस, ये मनाली और लाहौल को कनेक्ट करता है. पहले लेह और स्पीति जाने के लिए हम रोहतांग पास देके जाते थे. अभी वहाँ का परमिट नहीं है बाइक के लिए, सो वी हैव टू गो थ्रू अटल टनल. एंड गाइस, इट्स अमेजिंग. मतलब इंडिया में ऐसे आर्किटेक्चर देख के वी आर फीलिंग प्राउड. और ये डेवलप किया गया है बीआरओ, थैंक्स टू बीआरओ. वी जस्ट कवर 33 किलोमीटर. ये जो रास्ता जाता है ये काजा और ये जाता है सिसु, उनसे ले भी जाते हैं लोग. यहाँ से हम लोग जाएंगे कुक्सर, कुक्सर के पास ब्रह्मू, और ब्रह्मू से हमें लेफ्ट लेना है काजा के लिए. मनाली से 60 किलोमीटर वी विल गेट लुक रोड और उसके बाद अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो गाइस, ग्रमपुर क्रॉस करने के बाद बस कुछ ही किलोमीटर में आपको दो रोड मिलेंगे. एक राइट जो कि रोहतांग पास के लिए जाता है और दूसरा है लेफ्ट, जहाँ पे आप काजा की ओर जा सकते हैं. और हमारा फर्स्ट स्टॉपेज होगा छत्रू. और ये जो 20 किलोमीटर का रास्ता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है. सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स राइड. Yes, I'll be on my way now.
सो गाइस, हम लोग पहुंच गए छतरू। ये मनाली से 83 किलोमीटर है और यहाँ से काजा का डिस्टेंस है 100। और गाइस, जब मनाली से आ रहे हैं यहाँ पे आप अपना पहला ब्रेक ले सकते हैं। सो हम लोग 10 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है अगर आप नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं छतरू से बत्तल और ये जो रोड है बहुत ही ख़राब है और बहुत एक्सट्रीम अपलोडिंग करना पड़ेगा। लोग बोल रहे थे कि बहुत पत्थर है और बहुत एड़े तेड़े रास्ता है। सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स राइड एंड वी विल शो यू द रोड कंडीशंस एंड ऑल। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम लोग हैं पत्तल पे, फाइनली वी रीच्ड एंड ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं फेमस चाचा चाची ढाबा पत्तल, बहुत ही फेमस है। सो गाइस, बत्तल से बस कुछ ही किलोमीटर में आपको दो रोड मिलेंगे, एक राइट जो कि कुंजम पास के लिए जाता है और दूसरा है चंद्रताल लेक। सो हम लोग सोचे हैं कि आने के टाइम में हम लोग चंद्रताल लेक जाएंगे। सो गाइस, ये 14 किलोमीटर का जर्नी बत्तल से लेके कुंजम पास बहुत ही टफ लग रहा है और बहुत केयरफुल होकर चलाना पड़ रहा है। पत्थर भी है, को बहुत कर्व रास्ता है, ऊपर का भी जाना पड़ रहा है नीचे। सो दिस इज टफ। देखते हैं जितना जल्दी ये 14 किलोमीटर ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, सो दैट हम लोग जल्दी कुंजम पास पहुँचें, उसके बाद लोसर का रास्ता बहुत ही अच्छा है। सुने तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कुंजम पास और जो पत्तल से यहां तक का जो रास्ता था बहुत ही डेंजरियस था और सुपर ऑफरोडिंग था, लिटरली फट गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हुआ राइड करने में। एंड थैंक्स टू आदित्य। आदित्य, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया। एंड आई डोंट नो, आप कभी ऐसे ट्रैवल किए हो? पहली बार तो हुआ है। So guys, ये है ब्यूटीफुल कुंजम माता टेम्पल। सो और आगे हमें जाना है लोसर, यहाँ से 17 किलोमीटर है, उसके बाद रोड अच्छा आएगा। और गाइस देखिए, चारों ओर बर्फीला पहाड़ और व्हाट ए व्यू गाइस। सो माता का दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं।
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लोसर और हमारा ऑफरोडिंग का जो जर्नी था वो यहीं से समाप्त होता है। यहाँ से काजा का रोड मस्त है और देखिए गाइस लैंडस्केप को। सो हम बहुत यूट्यूब वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे मूवी में देखेंगे, जब रियल में देख के जो एक्सपीरियंस लेते हैं दिस इज़ ब्यूटिफुल। मन कर रहा है हर जगह में रुको और एक फ़ोटो लेने के लिए। और जो ये एंटायर जर्नी था मनाली से काजा, बहुत हर 20-30 किलोमीटर में लैंडस्केप चेंज हो रहा था। और शिमला से अगर आप काजा को ट्रैवल करेंगे आपको इतना अच्छा लैंडस्केप सीनिक ब्यूटी नहीं मिलेगा। जो जर्नी है ब्यूटीफुल माउंटेन टू स्पीति वैली यहाँ से स्टार्ट होता है। सो गाइस वेलकम टू स्पीति वैली। सो गाइस वी एंटर इनटू काजा और स्पीति वैली का जो राइड था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। इट वाज अ ड्रीम राइड, 180 किलोमीटर का जो राइड था, वन ऑफ द बेस्ट राइड सो फार इन माय लाइफ। सो गाइस हम लोग स्पीति वैली में 2 दिन के लिए हैं और 2 दिन हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे स्पीति वैली और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जगह आप 2 दिन या फिर 3 दिन में कवर कर सकते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू पैक द बैग। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट। सो गाइस विद दैट वी विल एंड दिस ब्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।